मानिकपुर तहसील अंतर्गत ऊंचाडी ग्राम पंचायत के बरदहा पुल पर सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर के ग्रामीणों ने बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। ये फूल पूर्व में काफी चर्चित रह चुका है। ग्रामीणों ने 2019 के चुनाव पर वर्तमान सांसद व निवर्तमान राज्य मंत्री को काला झंडा दिखा करके पुल से वापस कर लिया। तब से किसी भी जनप्रतिनिधि की हिम्मत नहीं हो सकी है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी दल का प्रचार करने की। आज बसपा प्रत्याशी का काफिला चमरोहा स्थित बरदहा पुल पहुंचा, तब पुल न बनने से त्रस्त सैकड़ों ग्रामीणों ने बसपा प्रत्याशी का स्वागत कर अपना समर्थन दिया। मानिकपुर क्षेत्र में आपका जनसंपर्क कैसे क्या मिल रहा है? देखिए, मानिकपुर क्षेत्र में जितना भी लोगों को यहाँ पीड़ित किया गया है, जितना भी यहाँ लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जितना भी यहाँ क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे वो अपना बनाने में लगे रहे, इसलिए यहाँ पिछड़ापन है। कहीं ना कहीं जो हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, उनकी एक उम्मीद जगी है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके बेटा के रूप में, आपके भाई के रूप में मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। आप सब लोग एक तरफा इतनी मदद मेरी करिए जो है कि भारी बहुमत से आपको विजयी बनाएं, आप लोग विजयी बनाएं मुझको। जो भी आपकी यहाँ समस्याएं हैं मैंने बहुत गहनता से देख लिया, क्योंकि लगभग मैं सुबह 10 बजे से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि न रोड की न पुल की, जैसे ये पुल की समस्या है, 3 महीने लोग इस पार के इस पार रह जाते हैं, उस पार के उस पार रह जाते हैं। पुल की बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ पानी की है कि पूरा नदी का पानी बह के चला जाता है। यहाँ कम से कम हर 1 किलोमीटर में एक डैम बनने की ज़रूरत है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंतराल में अगर डैम बन जाएंगे तो यहाँ का पानी रुकेगा, उससे लोग अपने खेतों में ट्यूबवेल के द्वारा, पंप के द्वारा सिंचाई भी कर सकते हैं, या उसी से पानी आगे खेतों में बढ़ाया जा सकता है। जल स्तर मेंटेन होने का एक प्रयास होगा। दूसरा, जो यहाँ हमारे पशु हैं, जानवर हैं, उनको भी पानी जो गर्मी में नहीं मिल पाता है वो डैम के द्वारा यहाँ पानी मिलने लगेगा। जो यहाँ जगह जगह पेयजल की भी व्यवस्था है उसको मैं अपनी सांसद निधि के द्वारा यहाँ गांव-गांव पुरो में बोरिंग करा कर जो है पेयजल की व्यवस्था करवाऊँगा, क्योंकि पेयजल की जो चल रही है स्कीम उसके द्वारा अभी तक ना यहाँ पाइपलाइनें आ पाई हैं और ना कोई कार्य हुआ है। आज भी लोग पानी के लिए यहाँ परेशान हैं। क्षेत्र में हम दौरा किए हैं तो कहीं जगह ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद है वो तो कभी आए नहीं है, ये बांदा जिला के, ये कैसे हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत ही धरातल से व्यक्ति हूं। मैं एक ज़मीनी स्तर का राजनीतिक, मैंने राजनीति तो करता हूं पर एक समाज सेवा भी करता हूं। मैं लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हूं। पिताजी मेरे नरैनी से विधायक रहे हैं, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी। इसके बाद मैं लगातार 2015 से 2021 लगातार 2 बार से जिला पंचायत सदस्य। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक गांवदारी का भी चुनाव होता है। लगातार दूसरी बार जीतना एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी दूसरे क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं हम जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं। मैंने अपने क्षेत्र में जितने अच्छे कार्य किए हैं उस कार्य का प्रभाव आपको यहाँ भी दिखेगा। जो लोग सब हम, चूंकि आपने बार बार सबको वोट दिया है, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दो दो बार के सांसद हैं, इस बार अगर आप अपने बेटे को, अपने भाई को वोट देते हैं तो आप लोगों को एक नई राजनीति, नई दिशा, नई टीम काम करेगी और नया जो विकास की गाथा है, नई विकास की गाथा लिखी जाएगी। मयंक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आप, आपको बांदा चित्रकूट से जनता सांसद चुनती है तो आपका क्या है, क्या मूड है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए यही हैं जो जन समस्याएं हैं। एक तो पहले शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर में आज भी विद्यालय नहीं है, लोग दूर दूर तक पैदल पढ़ने जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जैसे बहन जी की सरकार में बांदा मेडिकल कॉलेज बना, आज तक उस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की व्यवस्था करके बराबर चलाया नहीं जा रहा है। चित्रकूट में आज तक मेडिकल कॉलेज न बनवा पाए। सबसे पहली व्यवस्था रहेगी कि चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। यहाँ आज तक विश्वविद्यालय नहीं बना बांदा चित्रकूट लोकसभा में। आज भी सारे विद्यालय, जो भी डिग्री कॉलेज हैं, वो झांसी विश्वविद्यालय से संबंध है। विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का प्रयास करूँगा। जो यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, पेयजल की समस्या है, जैसे आपकी पुल की समस्या है, जिस तरह आपके यहाँ पुल की समस्या है उसी तरह हमारे अतर्रा क्षेत्र भी, तेरा पथरा में नरैनी विधानसभा में आज भी जंगल का एरिया पड़ा है, वहाँ भी पुल की समस्या है। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ वास्तविक जन समस्याएं हैं जिसको